दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में बात करें कांग्रेस पार्टी की, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश जैन साहब हैं। जैन साहब, आखिरकार वो दिन आ गया कि अब दिल्ली के अंदर चुनावी बिल्कुल बच गया। देखो, दिल्ली में चुनाव होना है जी। आज जिस तरह के दिल्ली के हालात हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के हैं, जी, चाहे युवा जो वर्ग है जी उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बेरोजगारी है, कोई धंधे नहीं है, पैसा जेबों में नहीं है जी, चारों तरफ भय का सा माहौल बना हुआ है जी, लोग अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं, परिवार परिवार सुरक्षित नहीं है। चाहे अरविंद केजरीवाल साहब जी दिल्ली की सत्ता पे आसीन हैं, बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, जो जो 5 साल पहले उन्होंने वायदे किए थे जी जनता बाखूबी उनको जानती है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं वो शिक्षा पे जी और स्वास्थ्य पे, उन्होंने कहा कि हम 5 साल के अंदर अंदर, उनकी मैनिफेस्टो में था जी कि 500 स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे जी, कॉलेज बनवाएंगे। तो उस तरह से दिल्ली में मैं समझता हूँ कि एक भी कॉलेज नया जी, जब से शीला दीक्षित जी जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी उसके बाद, शीला जी के बाद ना कोई कॉलेज नया बना है, ना कोई स्कूल नया बना है, ना कोई हॉस्पिटल बना है जी, खाली दीवारों को पुतवाने से जी या उन पे फूल पत्ती लगवाने से लोगों का काम नहीं चलता, नहीं चलता। वास्तव में जो काम है दिल्ली के अंदर वो काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर केजरीवाल बिजली पानी का मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली की जो मुद्दा है आज, सरकार का जो काम होता है मेन जी वो विकास का होता है जी, विकास कहीं भी नहीं हुआ। आज दिल्ली की जनता से जो आज वायदे कर रहे हैं जी, जो 5 साल पहले वायदे किए थे उनका क्या? वो पूरा हुआ नहीं जी, और नए वादे करने में लग रहे हैं जी। अगर ये वायदे आज जो किए जा रहे हैं, उनकी तो 5 साल सरकार थी जी, लोगों ने उन पर भरोसा करके 67 विधायक उनके जिताए थे जी, लोगों ने ये सोचा था कि ये हमारे भला का काम करेंगे, जिस जिस तरह से ये बोल रहे हैं वो काम होंगे जी, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। अगर उन्होंने बिजली और पानी बिल्कुल फ्री करना था तो 5 साल पहले किया होता, और अगर 5 साल पहले किया होता तो आज वायदे की जरूरत क्या पड़ गई है? बिल्कुल ठीक बात, अगर पहले किया तो फिर वायदे की क्या जरूरत पड़ गई? जैन तो साहब, जैन साहब, अगर बाबरपुर विधानसभा की बात करें, कोई नया स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज? जहां तक बाबरपुर की बात है जी, बाबरपुर में कोई भी जी, जब से शीला दीक्षित जी की सरकार गई है जी, मुख्यमंत्री उनके अलावा कोई चीज नई नहीं बनी है बाबरपुर के अंदर, बल्कि लोगों का रहन सहन जी जिस तरह होना चाहिए था वो भी ठीक तरीके से नहीं है। आप पूरे रोडों को जाके देखिए, उधड़ी पड़ी है। कोई इनको ये दिखावा जरूर आता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सड़क उधेड़ दी है उसे बनवाने का नाम नहीं। आप चले जाओ पूरे, सबसे मैं ज्यादा करदमपुरी कभी नगर की बात करता हूँ, आप कभी नगर करदमपुरी में आप जाके देखिए किस तरह के हालात हैं, लोग किस तरह रहने पर मजबूर हो रहे हैं। पानी के नाम पर जहाँ तक सवाल फ्री का है, फ्री की पानी की तो बात जब है जब पानी आ रहा हो, बिल्कुल पानी नलों में जाके देखिए, पहली बात तो है नहीं, है नहीं, और है तो गंदा है, पीने के योग नहीं है। मजबूरी में लोग नीचे लगा रहे हैं समरसल जी, मजबूरी में जी, जी। अगर पानी पीने का बढ़िया आ रहा होता है तो फिर समरसल की जरूरत क्यों पड़ गई है? जैसा जबकि ये हाल तब है कि बाबरपुर में आम आदमी पार्टी का ही विधायक है, और आम आदमी पार्टी से दो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, सुभाष मोल्ला और करदमपुरी। आप, मैं बड़ी बात या मैं इस तरह की बात, मेरी एक आदत है जी, मैं सच बोलना चाहता हूँ जी। लोगों को ये भरोसा भी होना चाहिए लीडर के ऊपर कि जो ये हमारा जो लीडर है, हमारा जो हम नेताजी कहते हैं, वो कम से कम सच्चा आदमी है। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं करते।
हकीकत यह है कि इनके निगम पार्षद जहाँ जहाँ हैं वहाँ जाके देखिए आप के कितना कूड़ा भरा हुआ है। सफाई के नाम पे कोई सफाई नहीं है। मैं जहाँ तक सवाल गोपाल राय जी का है, यहाँ से दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और मंत्री भी बड़े मजबूत मंत्री हैं। दिल्ली में वो अपनी पार्टी के एक अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ होना चाहिए था बाबरपुर विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ। आज जगह जगह जाके वो जनसंवाद करते हैं, जनसंवाद करते हैं, लेकिन लोग उनको जान रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, नगर निगम में जिस तरह से आज सीलिंग चल रही है, सफाई कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते हैं तनख्वाह को लेकर के। 5 साल पहले नगर निगम में सरकार बीजेपी की थी जी, पर विपक्ष में कांग्रेस थी। जब निगम में ये हम लोगों को लगता था कि सरकार सही काम नहीं कर रही, बीजेपी के जो चेयरमैन हैं, मेयर्स हैं या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो काम सही नहीं कर रहे, तो विपक्ष की जो काम करना चाहिए विरोध करने का, वो जमीन पे बैठ के विरोध होता था। आप एक बार की मैं बात बता देना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों को जब पैसा नहीं मिला तो हाहाकार मच रहा था पूरी दिल्ली में। कांग्रेस के तमाम जितने भी निगम पार्षद थे उन्होंने भूख हड़ताल पे बाहर धरना दे दिया। बिल्कुल, और बाहर धरना देने के बाद में राहुल गांधी जी को बुलाया गया और राहुल गांधी जी जैसे ही धरने के साथ बैठे दूसरे दिन उनको तनख्वाह मिल गई थी। तो इस तरह से जो विपक्ष का काम होता है, मान लिया कि सरकार बीजेपी की है लेकिन विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी के साथ पार्षद हैं, तो जैन साहब आप लोगों को बैठना चाहिए। जैन साहब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है बाबरपुर? देखो जहां तक सवाल है, मैं बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और पांचों विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी उसे बखूबी और ताकत के साथ मैं निभाने को हमेशा तत्पर रहता हूं, मेरी आदत है। आम आदमी पार्टी का जाना तय है? निश्चित तौर पर, जिस तरह से उन्होंने झूठ और छलावट छल कपट किया है वाईफाई को लेकर, अरे 5 साल पहले आप लोगों ने वायदा किया था कि वाईफाई फ्री करेंगे, आज वाईफाई की बात क्यों आई? 5 साल पहले किया होता तो आज वाईफाई फ्री करने की अब इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जनता से लोग समझ चुके हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जनता से क्या कहेंगे और खासतौर से बाबरपुर? मैं बाबरपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि ये सब लोग झूठ बोलते हैं, उनको करारा झटका देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना चाहिए। मैं ये वायदा कर रहा हूँ आपके साथ कि मेरा ऑफिस बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का खुला हुआ है, जो भी कांग्रेस का जीत का आएगा उसका काम कराने की मेरी जिम्मेदारी है।